बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में अपना पहला मैच तो क्या जीता था। दूसरे मैच से कबल ही एक प्रोग्राम में शाहिद अफरीदी समा टीवी पर बैठकर जब इंडियन एंकर से बातचीत कर रहे थे, लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें उनकी जो फीमेल एंकर है वो बड़ी बातें कर रही थी कि हम इस बार भी जीतेंगे और पाकिस्तान को शिकस्त से दोचार करेंगे। हालाँकि शाहिद खान अफरीदी ने कहा भी कि हम एक एक से ये जो मैच है बराबर कर देंगे, यानी पहला मैच पाकिस्तान हारा था, अब पाकिस्तान जीतेगा और बात एक एक से बराबर हो जाएगी। शाहिद खान अफरीदी ने कहा था कि इंडियन टीम के पास जडेजा नहीं है और जडेजा वाकई बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस में थे, उनकी बैटिंग और बॉलिंग इंडिया के बड़े काम की थी। लेकिन दूसरी तरफ जो उनकी फीमेल एंकर थी वो कह रही थी कि हम किसी भी बात को मिस नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सभी खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं और जडेजा या किसी और खिलाड़ी के बगैर भी हम पाकिस्तान को हराने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो शाहिद खान अफरीदी ने अज़राए मजाक कहा कि आप ऐसा करना कि आप 12 खिलाड़ी खिला लेना, हम 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेंगे। लेकिन फिर दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान ने जिस तरह इंडिया को शिकस्त से दोचार किया और जितनी जबरदस्त और मुंह पर दे मारी उनके जो है जीत कर मैच, पाकिस्तान ने बड़ा ही जबरदस्त जवाब दिया और इंडिया को शिकस्त से दोचार किया। और उन्होंने खूब जवाब दिया कि यह खेल है और खेल में जब किसी का दिन होता है तो फिर वो किसी भी टीम को हरा सकता है।